हाई चैम्पियंस कैसे हैं आप सभी लोग सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म ओवन अकाडमी नीट और बात करेंगे बेटा थर्मो में लेक्चर नंबर थ्री पर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है बता दीजिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी वेरी गुड मॉर्निंग ओके, okay. सो so, किन किन विषयों पर चर्चा होगी किन किन विषयों पर चर्चा होगी उसकी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं सर एडियाबेटिक प्रोसेस पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ये चार टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है तो एक बार फटाफट से बता दो ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ क्लियर है तो दिलविल बना दो चैट सेक्शन में ठीक है गुड 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 चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको अन अकाडमी के लर्निंग ऐप पर पहुंच कर ठीक है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए मेरी प्रोफाइल को फॉलो करने से आप लोग मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे और मेरी कम्युनिटी में ऐड होने से आप लोगों को मिलेगी रेगुलर डी बेटा ठीक है और उस डी का डिस्क्रिप्शन हम करते हैं एवरी डे पर स्पेशल क्लास में राइट अन अकाडमी के लर्निंग ऐप पर सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो माई प्रोफाइल ठीक है चलो आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट इज अगर आप किसी तरह से कम्युनिटी में ऐड नहीं हो पा रहे हैं या फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम डाउनलोड करो ठीक है और उसके बाद में टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना हेलो फिज़िक्स जैसे ही आप सर्च करोगे इस नाम को आप यहाँ पर इस चैनल में जुड़ जाएंगे और जैसे ही आप इस चैनल में ऐड होंगे आपको रेगुलर डी और साथ ही साथ जो हम रिविजनास्त्र चला रहे हैं बेटा ठीक है जो हम यहाँ पर चला रहे हैं रिविजनास्त्र ठीक है आपको याद होना चाहिए या आपको पता होगा एवरी डे सिक्स पर मैं आप लोगों को पर चैप्टर रिविजन के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है पर चैप्टर देर आर रिविजन के लिए क्वेश्चन बेटा मतलब हाथ के साथ आपका पूरा जो है शेड्यूल इस तरह से बना रखा है कि सब कुछ हाथ के साथ रिवाइज होता जा रहा है रोज सुबह मैंने बच्चों को कहा है कि साढ़े पांच बजे उठ जाइए ठीक है 5:30 थर्टी एम पर उठ जाइए सिक्स ओ क्लॉक पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हेलो फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर सुबह छः बजे और साढ़े छः बजे तक यानी कि सिक्स टू सिक्स थर्टी ए एम में आपको थर्टी मिनट्स में क्या करना है बेटा सारे के सारे सवालों को सॉल्व कर लेना है पहले हमने शुरू किया यूनिट एंड डायमेंशन से फिर मैंने कायनोमैटिक्स वन डी दिया आज मैंने वेक्टर्स का रिवीजन करवाया कल मैं कायनोमैटिक्स टू डी का रिवीजन करवाऊंगा ऐसे करते करते हम पूरी क्लास इलेवेंथ जो कि हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं मेधावी में हम उसे करते रहेंगे ठीक है बेटा और मेधावी के जो फ्लूइड और एस एच एम वेवस है उसकी अपडेट ये है कि कल मुझे किसी कारण से बाहर जाना पड़ गया सो so, मैं सेशन नहीं ले पाया था बेटा अब आपका सेशन वो कल होगा यानी कि ट्वेंटी एथ ऑफ जनवरी को और आपका एस एच एम और वेव्स भी हो जाएगा तो कंप्लीट पूरा हो जाएगा आप निश्चिंत रहिए उस बारे में ठीक है चलिए ना अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल का एस मिल जाए कंट्री के टॉप थर्टी फोर्टी एजुकेटर्स न केवल अपना बेस्ट कंटेंट बल्कि अपना एक बेस्ट एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ साझा और शेयर करें तो इसके लिए आप प्लस या फिर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं बेटा इसमें अभी एक बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है सिक्स मंथ में वन मंथ एक्स्ट्रा एटीन मंथ में टू मंथ एक्स्ट्रा ट्वेंटी मंथ में थ्री मंथ एक्स्ट्रा का यहां पर आपको अभी ऑफर चल रहा है अगर एक भी चांस है कोड यूज करो एम एस लाइव एंड बी द पार्ट ऑफ एम एस लाइव एंड फैमिली और अपनी प्रेपरेशन को नई ऊंचाइयों पर लेकर आप जा सकते हैं ठीक शुरू करें भाई कहानी शुरू करें भाई कहानी जल्दी से बताइए शुरू करें भाई कहानी शुरू करें भाई कहानी हाँ, कम ऑन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो एडियाबेटिक प्रोसेस के साथ हमें क्या करना है सर कहानी को शुरू करना है कौन सी प्रोसेस है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है सर एडियाबेटिक प्रोसेस है, देखो ए का मतलब क्या होता है ए का मतलब होता है नोन ठीक है ए का मतलब होता है नो किसी भी शब्द के आगे अ लगा दो मतलब वो नो हो गया ठीक है अब यहां पर डाया का मतलब होता है बेटा डाया का मतलब होता है थ्रू डाया का मतलब क्या होता है सर डाया का मतलब होता है थ्रू और जो बेटिक है ना बेटिक डिराइव फ्रॉम बेट्स बेटा बेटिक वर्ड डिराइव फ्रॉम बेट्स और जो बेट्स होता है इसका मतलब होता है बेट्स मीन हीट ठीक है बेट्स का मतलब क्या हो गया बेटा हीट सो नो थ्रू हीट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये क्या करेगा बेटा डज नॉट अलाउ यहां पर हीट फ्लो क्या होगा बेटा हीट का फ्लो अलाउ नहीं होगा हीट फ्लो डज नॉट अलाउ ये क्या करती है बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो को अलाउ नहीं करती है हीट फ्लो को अलाउ नहीं करेगी का मतलब क्या है अगर आपके पास आपके पास मान लीजिए इस तरह का आपके पास इस तरह का मान लीजिए क्या है बेटा एक सिस्टम है और सिस्टम में यहां पर आपके पास क्या है बेटा कोई थर्मोडाइनामिक गेस आपने यहां पर ले रखी है बेटा कोई भी गैस है ये कंटेनर था इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है बेटा ये कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर कोई गैस यहां पर आपने भरी हुई है अब यहां पर ये जो कंटेनर अभी आप देख रहे हैं इस कंटेनर की कुछ वॉल्स हमने इस तरह से बना ली बेटा तो कंटेनर की जो वॉल्स है ना ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं ये कंटेनर की वॉल्स अगर आप देखेंगे एक मिनट रुको जरा आपको और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसका विजुअलाइजेशन कराते हैं देखो दिख रही है ब्लू कलर की तो ये जो वॉल्स है ना ये वॉल्स कैसी है बेटा दिस वॉल्स एडिया बैटिक है ये वॉल्स कैसी है सर ये वॉल्स आपकी एडिया बैटिक और अगर ये वॉल आपकी एडिया बैटिक है तो यहां से न तो हीट बाहर जा सकता है बेटा न तो हीट आपका बाहर जा सकता है और ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है ठीक है न अंदर से बाहर कोई न कोई बाहर से अंदर आ पाएगा है ना गला खराब है कितना बेसुरा गाया मैंने ठीक है बट क्या करें चलिए जनाब समझ में आ रही बात कि सर ना तो हीट बाहर जाएगी ना हीट अंदर आएगी इसका मतलब यहां पर अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन जीरो हो जाएगा डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया बॉस डेल्टा क्यू अगर जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स क्या बनेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनकर कुछ ऐसा आ जाएगा सर होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहां पर क्या सर डेल्टा यू प्लस क्या हो जाता है सर डेल्टा डब्ल्यू सिंस ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया मतलब ये बन जाएगा सर जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होगा बेटा डेल्टा डब्ल्यू तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी सर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू अब इस रिलेशन पर हम थोड़ी देर करते हैं कुछ चर्चा ठीक है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्व टू डेल्टा यू राइट ये आपके पास कहानी निकलकर आई ये कहानी आपके पास निकलकर आई जिसको हम यहाँ पर लिख लेते कि सर डेल्टा W इज इक्वस टू माइनस ऑफ डेल्टा यू ये आपके पास निकल कर आ रहा है ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है इसको हम अभी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर डेल्टा यू कैसा है बेटा मोर देन जीरो है डेल्टा यू मोर देन जीरो मतलब आपने टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज किया होगा इट एवरीबॉडी देन ओनली यू विल हैव फाइनल इंटरनल एनर्जी मोर देन द इनिशियल इंटरनल एनर्जी अगर आप थर्मोडाइनमिक सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी आपको यह सिचुएशन मिल सकती है लेकिन यहां कोरिलेशन देखो जब ये ऐसा है तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा भैया लेस देन जीरो हो जाएगा मतलब आपका गैस जो है वो क्या होगा गैस यहां पर कंप्रेस किया जा रहा होगा बेटा गैस क्या हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड होगा तो ये आपको एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा लेकिन आपका वर्क डन ऑन द गेस हो जाएगा वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा दैट मींस गैस आपका कंप्रेस हो जाएगा बेटा क्योंकि वर्क डन आपका नेगेटिव आ रहा है ये एक बात समझ लेनी चाहिए थी आपको ठीक दूसरी बात यहां पर क्या बन सकती है सर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है जरा उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं पॉसिबिलिटी इज कि सर अगर ये डेल्टा यू आपका लेस देन जीरो हो गया डेल्टा यू लेस देन जीरो का मतलब है बेटा फाइनल इज लेस देन इनिशियल इसका मतलब है आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सुनना फ यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब कि यहां पर जो वर्क डन होगा वो मोर देन जीरो हो जाएगा यानी यह कि यहां पर गैस क्या करेगी बेटा गैस आपकी एक्सपैंड करेगी गैस आपकी क्या करेगी सर एक्सपैंड करेगी अब सवाल यह है अब सवाल यह है कि सर जब आप एनर्जी सप्लाई कर ही नहीं रहे हो जब डेल्टा क्यू जीरो है तो फिर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे और सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा कैसे टेम्परेचर इज द इफेक्ट हीट इज द कॉज यही हम लोगों ने पढ़ा है जब आप थर्मोडाइनामिक सिस्टम में हीट दोगे तब तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा भाई बढ़ेगा और जब हीट निकालोगे तब तो उसका टेम्परेचर घटेगा तो फिर यह संभव कैसे है अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो हाव यू कैन इंक्रीज टेम्परेचर हाव यू कैन डिक्रीज द टेम्परेचर ठीक बड़ा लॉजिकल सवाल है अब देखो यहां पर क्या होगा अगर आपके पास कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम एक्स वाई जेड आपने लिया मान लीजिए ये यह यहां पर आपके पास एक सिस्टम है ठीक है और इस सिस्टम को आप यहाँ पर ऐसा देखते चले कि भैया ये हमने बना लिया मान लीजिए एक कंटेनर और इस कंटेनर की वॉल्स जो है वो परफेक्ट एरिया है बेटा इसकी जो वॉल्स है वो परफेक्ट कैसी है सर एरिया बैटिक है यहाँ पर हमने उसको ब्लू कलर से फिल भी कर दिया परफेक्ट एरिया है ठीक है इसके अंदर कोई आपकी थर्मोडाइनामिक गेस है यहाँ पर है ना कोई बात नहीं भैया इसके अंदर कोई आपकी क्या है बेटा थर्मोडाइनामिक गेस है अच्छा ऊपर का जो पोर्शन है ना ऊपर का जो पोर्शन है देखो उसमें यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कोई ना कोई तो, पिस्टन कोई कोई से हम समझ पाए कि भाई अगर ये नीचे होगा ना, येलो कलर का जो सेटअप है, है अगर ये ऊपर नीचे होगा मतलब ऊपर नीचे होगा तो इसमें एक्सपानशन और कॉम्प्रेशन हमको समझ आ रहा है ठीक है एक्सपानशन कॉम्प्रेशन आप इसी तरह से फिर विजुअलाइज कर पाएंगे तो यहां पर विदाउट उट गिवन एनी अमाउंट ऑफ हीट कैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम उसकी चर्चा करते बेटा ये है इस सिस्टम के पास कुछ बोलो यस और नो एवरीवन इसकी इंटरनल एनर्जी है यू इज इक्वल टू नॉन जीरो इंटरनल एनर्जी होगा कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा अब अगर इंटरनल एनर्जी है ठीक है क्या है बेटा इंटरनल एनर्जी है एंड यू वांट कि भाई यहां पर ये पिस्टन ऊपर जाए आप एक्सपांशन चाहते हो एक्सपांशन के लिए एक्सपांशन के लिए भाई इस पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और हीट सप्लाई कर नहीं रहे हो तो ये जो इंटरनल एनर्जी है ना बेटा ये इंटरनल एनर्जी ही यूटिलाइज्ड होगी इस इंटरनल एनर्जी को ही हम यूज कर लेंगे टू एक्सपैंड द गेस और अगर आप इंटरनल एनर्जी को यूज करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा बेटा इंटरनल एनर्जी को यूज करोगे तो पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन ऑर्डर टू डू सम वर्क तो यहां पर फाइनल एनर्जी कम पड़ जाएगी मतलब टेम्परेचर कम पड़ जाएगा लॉजिक समझ में आया सभी बच्चों को एवरी वन दिल विल बनाते रहना ठीक है अगर सिस्टम के पास पहले से इंटरनल एनर्जी है और अगर सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगा ठीक है जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो यहां पर क्या करेगा बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है समझ में आ रही बात कि विदाउट गिविंग द हीट किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं ना अब यहां पर कुछ चीजें आपको करनी जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ शर्तें हैं कुछ कंडीशन है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस की कुछ शर्त है कुछ कंडीशन है शर्तें क्या है कंडीशन क्या है वो समझा देता हूं एक पहली चीज यहां पर वॉल्स ऑफ द कंटेनर यहां पर क्या नहीं होनी चाहिए बेटा वॉल्स ऑफ कंटेनर वॉल्स ऑफ कंटेनर कैसी होनी चाहिए बेटा वॉल्स ऑफ कंटेनर मस्ट बी मस्ट बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट बेटा कैसी होनी चाहिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट बैड कंडक्टर ऑफ क्या होगा बेटा हीट होना चाहिए मस्ट बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट ताकि वो बेहतर से बेहतर क्या हो सके बेटा एडियाबेटिक हो सके ठीक है क्या हो सके बेटा बेहतर से बेहतर एडिया बैटिक हो सके तो दीवारों को एडिया बैटिक बनाने के लिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा बैड कंडक्टर ऑफ हिट नॉट अलाउ हिट टू पास थ्रू इट बेटा पहली चीज दूसरी यहां पर क्या है बेटा दूसरी कहानी यहां पर यह है कि ये जो ये जो आप देख रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस दिस प्रोसेस मस्ट बी ऑल ऑफ सडन बेटा ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए दिस प्रोसेस मस्ट बी ऑल ऑफ सडन ऑल ऑफ सडन का मतलब क्या है बेटा ऑल ऑफ सडन का मतलब यह है ऑल ऑफ सडन का मतलब यह है कि एकदम से होनी चाहिए नॉट ग्रेजुअल ठीक है

अब ऐसा क्यों चाहते हैं हम वाई द सेकेंड पॉइंट इज देयर फर्स्ट तो समझ में आ रहा है सर सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा प्रोसेस मस्ट बी ऑल ऑफ सडन यानी कि बहुत रैपिड होनी चाहिए क्यों रैपिड होनी चाहिए बिकॉज अगर आप प्रोसेस को ऑल ऑफ सडन करोगे तो देयर वॉन्ट बी इनफ टाइम फॉर द इंक्रीज टेम्परेचर और देयर वॉन्ट बी इनफ टाइम विथ दिस थर्मोडाइनमिक सिस्टम एक्सचेंज द हीट विदराउंडिंग बेटा मान लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ लीकेज या किसी तरह से अगर आप यहां पर स्लो स्लो प्रोसेस करोगे तो फिर भी थोड़ा ऑल ऑफ सडन कर दोदम से कंप्रेस करोगे टेम्परेचर अंदर बढ़ेगा लेकिन उस टेंचर को एक्सचेंज होने के लिए समय चाहिए वह समय आप नहीं दोगे अगर आप ऑल ऑफ सडन कॉम्प्रेस कर दोगे तो वी वॉन्ट प्रोसेस टू बी वेरी वेरी रैपिड और दूसरा कंटेनर बेड कंडक्टर ऑफ हिट होने चाहिए समझ आया सभी लोगों को दिल बिल बना दो जरा प्रोसेस क्लियर है प्रोसेस की सारी कहानी क्लियर है चलो अब यहां पर थर्मोडानेमिक सिस्टम में हम आगे अगर देखते तो क्या और कहानी समझ में आती दिखेगा जरा ठीक है चलो एक काम करते ना एक काम करते हैं इसको यहीं पर ठीक है हाँ चलो यहां पर समझते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस की अब इक्वेशन क्या बनेगी बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस पूरी तरह से विजुअलाइज हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या किस तरह से हम उसमें काम कर रहे हैं कंटेनर्स कैसे होने चाहिए उसमें किस तरह से प्रोसेस को करोगे क्या क्या कंडीशन बनेगी वो सब कुछ क्लियर है दूसरी बात यहां पर क्या बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है पी वी टू दी पावर गामा इज इक्व कॉन्स्टेंट इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बस याद रख लेना पी वी टू पावर गामा इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट जहां पर गामा को हम कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बेटा गामा इज वॉट कॉल बेटा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट के नाम से जाना जाता है और ये जो गामा है ये होता है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी क्या होता है दोस्तों गामा इज योर सीपी डिवाइडेड बाय सीवी एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी ठीक है अलग अलग वैल्यूज होती है अगर आप गामा की बात करें बेटा तो गामा यहां पर क्या हो जाता है सीपी बाई सी वी है तो मोनो ऑटोमिक गेस के लिए यहां पर ये यह कितना हो जाता है बेटा तो दिस विल बी फाइव डिवाइडेड बाई यहां पर थ्री ये किसके लिए हो जाता है सर मोनो ऑटोमिक गेस के लिए हो जाता है याद होना चाहिए ठीक है दिस इज फॉर मोनो ऑटोमिक गेस गामा इज टू यहां पर क्या हो जाता है बेटा आपका सेवन डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है तो सेवन डिवाइडेड बाई फाइव ये किसके लिए हो जाता है सर आपका डाई अटोमिक गेस के लिए बेटा दिस इज फॉर द डाई अटोमिक गैस के लिए ठीक है ये किसके लिए हो जाता है बेटा आपका पोली अटोमिक गैस के लिए अलग अलग वैल्यूज मैंने यहां पर मैंशन कर दी ताकि आपको याद रहे आप चीजों को बेहतर तरीके से सॉल्व भी कर पाए बेटा ठीक है दिस वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू यू नीड टू रिमेंबर ठीक

प्रेशर को रिप्लेस कर दू क्या बनेगा आ जाइए सभी लोग यहां पर ठीक है सो प्रेशर पी रिमेन्स एज इट इज वॉल्यूम की जगह मैंने रखा बेटा एनआरटी टी डिवाइडेड बाई प्रेशर यहां पर पी एंड होल टू पावर क्या हो जाएगा गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट अब आपको यह देखना है सर कि ये एनआर तो कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा सर पी टू दावर वन माइनस गामा रेसी प्रोकलो के ऊपर गया टी टू दी पावर गामा इज इक्वस टू कांस्टेंट तो दोस्तों अगर आप इसको इधर नीचे लेकर जाओगे तो ये बनेगा टी टू दी पावर गामा इज इक्वस टू सम समस्टेंट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर पी टू दावर वन माइनस गामा और यू कैन राइट बेटा जो टी टू दी पावर गामा है जो टी टू दी पावर गामा है वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दी पावर गामा माइनस वन एक रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का ऐसा बन सकता है एवरीवन एक रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर का इस तरह से बन सकता है बोलो और नो बेटा टू दी पावर गामा गामा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू प्रेशर दी पावर माइनस यानी कि आप इसकी हो जाएगी गामा ऑब्वियस बात है यार टेम्परेचर आपको यहां पर कैसा लेकर चलना है भाई टेम्परेचर आपको यहां पर लेकर चलना है कैलविन में डिग्री सेल्सियस में काम नहीं आएगा

का ये आ जाता है एक रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपके पास इस तरह से निकल कर आ जाता है क्लियर सब लोगों को बात समझ में आ रही है सब लोगों को बात समझ में आ रही है किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए एवरीवन एवरीवन ठीक है नजर है मेरी चैट सेक्शन पे किसी भी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो मी <coughs> हा किसी भी बच्चे को नोट no डाउन कर लो फटाफट से नोट no डाउन कर लो फटाफट से राइट right. डन हाँ चैट देख लो क्या दिक्कत हुआ रेसी प्रोकल कैसे आया मैं वही चैट देखने गया था बेटा हाँ तो सॉरी पानी आनी लेने <coughs> गया था हाँ प्लीज़ रिपीट हाँ रुको कहाँ दिक्कत हुआ पॉलीट्रॉपिक के लिए मैंने वैल्यू गलत लिख दी अच्छा रुको ना बना लेते हैं ना अपन बना लेते हैं अपन बना लेते हैं अपन ये फाइव बाई थ्री ये तो सही है फाइव बाई थ्री ये तो सही है ये तुम्हारा क्या होगा देखो सी का वैल्यू हो जाएगा सर आपका फाइव डिवाइडेड बाई टू ठीक है सी का वैल्यू हो जाएगा सेवन डिवाइडेड बाई टू आर तो ये वाला भी सही है ये 1.28 आएगा 1.33 ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है डाउट है रेसी प्रोकल कैसे हुआ कुछ बच्चों को इसमें डाउट है, है अरे एक बात बताओ क्या करोगे सुनो मेरी बात को ध्यान से अगर यहां यहां पर यहाँ पर आपने देखा बेटा इस वाली वैल्यू को आप क्या ले सकते हो जाएगा प्रेशर टू दी पावर माइनस करके गामा माइनस वन कर दो ना तो पावर अगर माइनस है तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव पावर कर दो ऊपर ले जाके पावर पॉजिटिव कर दो ठीक है यहां पर पावर वन है यहां पर पावर गामा है वन गामा हुआ, ठीक है, टेम्परेचर टू दी पावर गामा था ये वाली जो प्रोसेस है इसमें से माइनस कॉमन लो और इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले गए ठीक क्लियर है अब क्लियर है कि नहीं एक बार बताओ जरा चैट सेक्शन में जल्दी से अब क्लियर है अब क्लियर है थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी कर दिया नहीं <laughs>

चलिए अब हम बात करते हैं सर इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कर्व कैसा बनेगा और वर्क डन क्या होगा बेटा ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा कि सर P V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था तो अगर आप इसके कर्व की बात करेंगे बेटा अगर आप यहां पर इंडिकेटर डायग्राम की बात करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की तो वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का इंडिकेटर डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा सर ये सेम ये सेम तो किसके लिए बन रहा था बेटा ये सेम कहानी बन रही थी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी सेम कर्व किसके लिए बन रहा था बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी बन रहा था एवरीवन यस और नो तो सर अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी बन रहा था इसी तरह से तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस प्रोसेस एंड आइसोथर्मल ये जो ऊपर की इक्वेशन है ना इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो बेटा इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में प्रेशर एज इट इज वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा बेटा तो पावर सामने आ जाएगी गामा वॉल्यूम टू तो पावर गामा माइनस वन होगा और इनटू में हो जाएगा बेटा डेलवी प्लस दिस टाइम वॉल्यूम टू दी पावर गामा रिमेन्स एज इट इज और ये हो जाएगा बेटा डीपी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो अब यहां से थोड़ा सा क्या करना है बस आपको सॉल्व करना है तो P यहां पर क्या हो जाएगा बेटा गामा P वॉल्यूम टू दी पावर क्या हो जाएगा सर गामा और वॉल्यूम टू दी पावर यहां पर मैंने माइनस वन कर लिया स्प्लिट कर रहा हूं मैं ठीक है वॉल्यूम टू दी पावर गामाइनस वन को स्प्लिट करके लिख लिया इंटो में हो गया बेटा डेल डेलवी अब सारी बातें एक साथ लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं ठीक है अच्छा वॉल्यूम टू दी पावर गामा इस तरफ है बेटा वॉल्यूम टू दी पावर गामा इस तरफ भी है कैंसिल आउट किया जा सकता है राइट चलिए बहुत बढ़िया तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे सर गामा तो गामा रहेगा प्रेशर पी ऊपर रहेगा ये वॉल्यूम हम नीचे लाके रख सकते बेटा कि नहीं वॉल्यूम टू तो दी पावर माइनस है कैन आई ब्रिंग दिस वॉल्यूम टू दी पावर माइनस वन नीचे कैन आई ब्रिंग दिस वॉल्यूम टू दी पावर नीचे बेटा यस अब यहां पर क्या होगा आगे आपने साइन माइनस लगा दीजिए यहां का और ये बन गया बेटा आपका डीपी डिवाइडेड बाय डीवी और यही क्या बन गया बेटा स्लोप बन गया यही क्या बन गया बेटा स्लोप बन गया अब आपको यहां पर एक आइडिया लग रहा होगा कि सर हमने जब स्लोप की बात करी थी डीपी डिवाइडेड बाय डीवी और ये जब स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का था दैट कम्स आउट टू बी यहां पर डिवाइडेड बाय वी वैल्यू और जब हम लोगों ने देखा था बेटा डीपी डिवाइडेड बाय डीवी ये किसके लिए देखा आपने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए उस कंडीशन में माइनस गामा और पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है बेटा वो गामा टाइम्स हायर होगा देन आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो गामा टाइम्स हायर है किससे बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस से और 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 एक एक और बात बात है एक और बात है, एक और बात है ये भी देखो जरा गामा का वैल्यू क्या है बेटा हमेशा मोर देन वन होता है गामा का वैल्यू हमेशा मोर देन वन होता है तो सीधी सी बात है डिवाइडेड फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी मोर देन डीपी डिवाइडेड बाई डीवी फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस मन कि इस कर्व में अगर आपको आइसोथर्मल बनाना होगा तो वो कर्व आपका आइसोथर्मल थोड़ा सा इस तरह का बनेगा बेटा दिस इज योर आइसोथर्म बेटा ये वाला क्या हो जाएगा आपका आइसोथर्म हो जाएगा एंड दिस कर्व येलो वाला करस्पोन्ड टू एडियाबेटिक प्रोसेस क्या ये सबको विजुअलाइज हुआ एवरी क्या ये सबको विजुअलाइज हुआ कहीं कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए चैट सेक्शन थोड़ा सा दूर रखा हुआ है बट फिर भी मेरा पूरा पूरा ध्यान रहेगा ठीक है जल्दी से हम्म ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो ठीक है ठीक है भाई ये भी सही है ये भी सही है <laughs> बन रहा हूं कि लग रहा हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो राइट right. चलिए यहां तक क्लियर यहां तक क्लियर हां आइसोथर्म का स्लोप ऊपर कैसे मोक्षा आइसोथर्म अगर आप देख रहे हैं So, सो आइसोथर्म को आपने जब इस तरह से देखा बेटा ठीक है ये आइसोथर्म है और ये आपका नीचे वाला क्या हो गया येलो वाला एडियाबेटिक का हमें बात करनी है सर स्लोप से रिलेटेड यहां पर स्लोप देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप क्या था पी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको गामा सामने की तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ा यदि कि एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है ना वो ज्यादा होगा बेटा इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस आपने नीचे बनाई है और आइसोथर्मल आपने ऊपर बनाई है ठीक क्लियर है क्लियर है बेटा अंडरस्टूड दिस इज द प्रोसेस अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसका क्या करते हैं सर यहां पर हम कर लेते हैं सर वर्क डन की कहानी यहां पर हम कर लेते हैं सर वर्क डन की कहानी चलिए हेडिंग लगेगा सर वर्क डन फॉर वर्क डन फॉर ठीक है वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अच्छा वर्क डन क्या होता है सर वर्क डन होता है इंटीग्रल ऑफ पी डेलवी वर्क डन क्या होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ पी डेलवी एवरीबॉडी वर्क डन क्या होता है सर इंटीग्रल ऑफ पी डेलवी अच्छा डब्लू इज इक्वस टू इंटीग्रल ऑफ पी डेलवी तो मुझे एक रिलेशन पता है कि सर पी इज इक्वस टू दिस वट आई कैन राइट फ्रॉम हियर सर हम पी को लिख सकते हैं सम कॉन्स्टेंट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू दी पावर गामा है ना यहां पर बार बार कॉन्स्टेंट में कहा लिखो इसलिए और यह हो जाएगा बेटा वॉल्यूम टू दी पावर गामा इंटू में हो जाएगा डेलवी आप इसी को के को बाहर ले जाइए क्योंकि कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेट में वॉल्यूम टू दी पावर माइनस गामा इंटू में डेलवी हो जाएगा बेटा रेसी प्रोगल करके लिख लिया चलो ये कहा से कहां इंटीग्रेट होगा वॉल्यूम वॉल्यूम इनिशियल फाइनल बेटा वेरी गुड अब आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो यहां पर क्या लिखेंगे सर वॉल्यूम टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन नीचे हो जाएगा बेटा माइनस गामा प्लस वन लिमिट हम यहां पर लिख रहे होंगे के मल्टीप्लायर आपका रहेगा लिमिट आएगा बेटा वी इनिशियल टू वी फाइनल वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते हैं सर रिजल्ट बनेगा कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन ठीक है और यहां पर आपको क्या लिखना है सर वॉल्यूम वॉल्यूम फाइनल फाइनल टू टू दी दी पावर पावर माइनस गामा इनटू में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा स्प्लिट करके अरे सेम बेस होती है तो पावर सेट हो जाती है सेम बेस अगर होती है तो पावर एड हो जाती है यहां पर क्या किया सेम बेस है तो पावर को स्प्लिट भी तो कर सकते हैं ना हम मैंने स्प्लिट कर लिया ठीक है इसी तरह से माइनस साइन लगाकर क्या लिखोगे बेटा वॉल्यूम इनिशियल टू दी पावर माइनस गामा और यह हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम इनिशियल थोड़ा सा थोड़ा सा आप इसे क्या करें और तरीके से लिखेंगे तो आपको कुछ और बात समझ में आएगी सर के अपनी जगह है ये वाला वैल्यू जो है ये वाला वैल्यू आपके पास माइनस गामा और ये प्लस वन हो गया यहाँ पर आप आए सर दिस बिकम वी फाइनल एंड होल डिवाइडेड बाय दिस बिकम वी फाइनल टू पावर गामा माइनस ये हो जाएगा बेटा आपका वी इनिशियल होल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल टू दी पावर गामा जिसकी पावर माइनस होती है रेसी करके आप उसे नीचे ला सकते हो जिसकी पावर माइनस होती है रेसी करके आप उसे नीचे ला सकते हो इज दैट क्लियर यस और नो गाइज कोई लैग वग नहीं है प्रॉपर चल रहा है मेरे पास कोई लैग वग नहीं है प्रॉपर तो चल रहा है ठीक है बताइए कहां लेगे एम ही ठीक क्लियर क्लियर चलो आ जाइए अब एक बात बताओ जरा कि यहां पर अगर इस कांस्टेंट के को अंदर डाल दोगे इस कांस्टेंट के को क्या करोगे बेटा अंदर डाल दोगे इसको यहां से निकालते हैं बाहर इसको यहां से निकालते हैं बेटा बाहर और यहां पर हमने वन बना दिया यहां पर हमने डाला कांस्टेंट के यहां पर भी मल्टीप्लाई में चला गया सो के डिवाइडेड बाई वी टू दी पावर गामा बेटा तो यहां पर यह क्या बन जाता है पी बन जाता है तो अगर ये के बाई वी फाइनल है तो ये पी फाइनल बनेगा दैट मीन्स यू कैन राइट वन डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा ये रिजल्ट आ रहा है. है आपका p फाइनल इनटू में क्या हो जाएगा बेटा आपका p फाइनल v फाइनल और माइनस आ जाएगा बेटा आपका p इनिशियल v इनिशियल क्या यहां तक समझ आया सब लोगों को राइट right. थोड़ा सा इसको हम और अगर लेकर चले बेटा थोड़ा सा इसको अगर हम और सॉल्व करें तो देखो और क्या कहानी बन सकती है और क्या कहानी बन सकती है इस पर देखेगा जरा इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं ठीक राइट right. अब ये आपको बैक स्लाइड में मिल जाएगा ये सब कुछ आपको बेक स्लाइड में मिल जाएगा बेटा मैं इसको रब कर लेता हूं ठीक है ताकि मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाए ठीक है ये सब कुछ मैंने स्लाइड कॉपी कर दी है तो ये आपको जो है बेक स्लाइड में मिल जाएगा सो डोंट वरी अबाउट दिस ठीक है आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगी बेटा बस आपको क्या करना है देखते रहना ध्यान से है ना अब एक बात बताओ यार अब एक बात बताओ ये जो वर्क डन आपके पास आया एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन बेटा ठीक है क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गामा की जगह गामा माइनस वन तो मैं यहां पर अगर इंटरचेंज कर दू कि पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस यहां पर मैं लिखूं पी फाइनल इंटू में वी फाइनल तो क्या किसी को कोई तकलीफ होगी क्या किसी को कोई परेशानी होगी बताइए जरा एवरी वन आई डीड मैंने यहां पर वन माइनस गामा को गामा माइनस वन लिख लिया बेटा वन माइनस गामा को मैंने क्या लिख लिया गामा माइनस वन बेटा बेटा किसी अगर यहां किसी को समझ में नहीं आया तो मैं करके बता देता हूं कि सर के डिवाइडेड बाय वी टू पावर गामा इज इक्वस टू पी था अब अगर मैं इसको लिखूँ के डिवाइडेड बाई वी वन टू तो पावर गामा तो ये प्रेशर मेरा पी वन हो जाएगा अगर मैं लिखूँ के डिवाइडेड बाई वी टू तो पावर यहाँ पर वी टू टू तो पावर गामा तो ये प्रेशर पी टू हो जाएगा बेटा फाइनल तो फाइनल इनिशियल तो इनिशियल वन तो वन टू तो टू ऐसा ठीक है और यहां पर मैंने क्या चेंज किया यह समझ में आ रहा है यहां पर मैंने क्या चेंज किया समझ में आ रहा है बेटा वन माइनस गामा को रेसी यहां पर क्या कर लिया माइनस कॉमन करके गामा माइनस वन कर लिया उस माइनस का अंदर इंटू किया तो जो माइनस था वो प्लस हो गया जो प्लस था वो माइनस हो गया यह यहां पर कहानी बनाई ठीक अब एक और चीज आपके पास है सर

क्लियर है ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इज दैट क्लियर बताइए जल्दी से यहां तक सबको समझ में आ रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर है या कहीं कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए आप मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर है या कहीं कोई कंफ्यूजन है एवरीवन ठीक है जल्दी 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 बताइए जल्दी जल्दी बताइए ठीक है हाँ क्लियर क्लियर हाँ क्या दिक्कत है बेटा ना दिया ना भिया? क्या दिक्कत है हुँ. हुँ. ठीक है ठीक है हम्म हम्म कुछ भी नहीं किया है सिंपल मैथ है बेटा सिंपल मैथ है यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज़ किया है इंटीग्रेशन वाला यूज़ किया है हम लोगों ने x टू दी पावर n dx होता है ना तो वो हो जाता है x टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आज क्या है मेथड चेंज हुई ना बेटा बोर्ड पे पढ़ाने लगा मैं ठीक है आईपेड आज पता नहीं क्या तो ही दिक्कत हुआ है ना काम ही नहीं कर रहा था अटैच ही नहीं हो पाया लैपटॉप और जो है आईपैड uh, आपस में कनेक्ट नहीं हो पाया और जब कनेक्ट नहीं हो पाए तो मैंने बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया अब बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया तो ये नेचुरली स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो गई ऐसा आप लोगों को लग रहा है बेटा कुछ भी नहीं है इंटरचेंजेबल थिंग्स हैं यहां पर क्या किया वी टू दी पावर माइनस गामा था इसको नीचे लेकर गए बेटा तो वी टू दी पावर प्लस गामा हो गया के डिवाइडेड बाय वी टू दी पावर गामा यहाँ पर प्रेशर हो सकता है तो ये अगर फाइनल वॉल्यूम है तो फाइनल प्रेशर होगा ये इनिशियल वॉल्यूम है तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर होगा दैट्स इट बस ऐसा चेंज किया फिर उसके बाद में माइनस कॉमन लेकर हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी अब सेम कहानी को हम पी वी इज इक्व टू एनआरटी से रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यानी कि डब्लू एडियाबेटिक अगर आपको लिखना है देखो डब्लू एडियाबेटिक अगर आपको लिखना है तो यहां पर क्या होगा बेटा यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस साइन कॉमन करके लिख रहा हूं देखना ध्यान से माइनस साइन कॉमन किया माइनस बाहर लिया दैट वुड बी गामा माइनस वन और ये बनेगा बेटा आपका क्या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्यों ऐसा किया क्योंकि बेटा अगर आपको लिखना है एनआर डिवाइडेड बाई है ना एनआर डिवाइडेड बाय माइनस एनआर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन और अगर आप इसको डेल्टा टी की टर्म्स में लिखना चाहते हो इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस वर्क डन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी बेटा इसलिए बस यहां पर आपको माइनस साइन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी क्योंकि डेल्टा टी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है यहां पर इनिशियल माइनस फाइनल है आपने यहां पर क्या किया माइनस को कॉमन करके फिर से वैल्यू इस तरह से बना ले ठीक क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को येस और नो एवरी वन बेटे कुसुम मैंने डे मैंने स्टार्टिंग में जब एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाना शुरू किया वहीं पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि विदाउट गिविंग हीट और टेकन हीट किस तरह से टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि जो थर्मोडाइनामिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती, होती है ना बेटा वही यूटिलाइज होती है इन ऑर्डर टू चेंज द टेम्परेचर ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया चलो चलो भाई सवाल करते हैं सवाल करते हैं, देखो सवाल करते सवाल पर बहुत आनंद आने वाला है ठीक है ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ टू मोल्स ऑफ अ गेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी माइनस हंड्रेड जूल बेटा क्या हो गया टू मोल्स है और कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा माइनस हंड्रेड जूल्स द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस By द गेस विल बी अब अगर यहां पर क्या हो गया बेटा डेल्टा यू का वैल्यू क्या आ रहा है सर डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है माइनस हंड्रेड जूल तो डेफिनेटली डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा प्लस का हंड्रेड जूल यानी कि यहां पर क्या होगा सर बताइए एक्सपानशन होगा वर्क विल बी डन क्या होगा बेटा वर्क विल बी डन बाई द गेस वर्क डन बाय द गेस होगा नॉट ऑन द गेस होगा एक्सपानशन आपको मिलेगा डायरेक्ट सवाल है ठीक है क्लियर है कि नहीं डायरेक्ट सवाल है बेटा माइनस हंड्रेड ये प्लस हंड्रेड हो जाएगा अब यहां पर देखो इन फिगर शोन वन ऑफ कर्व इज फॉर प्रोसेस एंड इज फॉर है द मोस्ट प्रोबेबल कर्व फॉर द प्रोसेस इज गिवन द कर्व बेटा ठीक है ए बी सी डी ई एफ है ना तो द मोस्ट प्रोबेबल द दिस प्रोसेस इज गिवन बाय बेटा ठीक है दिस प्रोसेस मतलब फॉर द एडिया बेटिक प्रोसेस फोर मोस्ट पॉपुलर कार फॉर द फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा है ना फॉर दिस प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कौन सा यहां पर क्या होगा बेटा कर्व होगा या फिर इसको मल्टीपल करेक्ट में लेकर जाएगा तो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा बेटा आइसोथर्मल के लिए कौन सा हो जाएगा ई एफ वाला हो जाएगा ये वाला आइसोथर्मल के लिए होगा बेटा दिस इज फॉर द आइसोथर्मल और जो सी डी वाला है बेटा सी डी वाला ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक के लिए तो अगर मैंने क्वेश्चन को चेंज किया फॉर द एडियाबेटिक तो आंसर सी डी होगा अगर मैं क्वेश्चन को कोई चेंज नहीं करता तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होते जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक है जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल है इज दैट क्लियर बेटा जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबेटिक जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल होगा Now, अगला सवाल आपके सामने टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू अदर वाया स्टॉप स्टॉप कॉक कॉक बेटा ठीक है वाया अब ए कंटेन्स आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड बेटा ठीक है बी इज कंप्लीटली ई ये प्रोसेस आपको यहां पर बढ़िया तरीके से समझनी है बहुत मजा आएगा बेटा इस इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से अगर आपने समझ लिया तो ठीक है यहाँ पर आपके पास क्या है सर ये आपके पास दो कंटेनर इस तरह के हैं ठीक है ये आपके पास दो कंटेनर है बेटा और ये जो दो कंटेनर हैं दीज टू कंटेनर्स गॉट कनेक्टेड ये दो कंटेनर आपस में कनेक्टेड हैं बीच में ऐसा स्टॉप कॉक लगा हुआ है बीच में ऐसा स्टॉप कॉक लगा हुआ है ठीक है बेटा समझ लेते हैं बीच में ऐसा क्या लगा हुआ है स्टॉप कॉक लगा हुआ है देखो यहाँ पर जरा अरे यार ये मिटेगा नहीं ये मिटेगा नहीं तो अपन अपने पास भी जुगाड़ देखो इसको क्या करेंगे हम वाइट कलर कर देंगे तो ये तुम्हें दिखेगा ओपनिंग यस और नो एवरीबडी ये तुम्हें ओपनिंग नजर आएगी ये तुम्हें ओपनिंग नजर आएगी अब देखो जरा अब देखो जरा राइट right. इस तरह की प्रोसेस है इस तरह का सिचुएशन है ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर सवाल आपको ऐसे समझना है कि सर दो सिलेंडर्स हैं यहां पर ए और यहां पर आपके पास बी Uh, ये कैसा है सर इसके पास आइडियल गैस है इसके पास आइडियल गैस है और ये कैसा है सर ई है ठीक है यहां पर ई का मतलब है है कि सर पर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है कंप्लीट वैक्यूम वैक्यूम अगर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा कंप्लीट वैक्यूम है तो प्रेशर जीरो जीर। हो गया अब क्या होगा द मोमेंट यू रिमूव द स्टॉप कॉक बेटा जैसे आप यहां पर स्टॉप कॉक को, को रिमूव करेंगे यहां पर क्या होगी सर गैस विल फ्लो ऑल ऑफ सडन ठीक है यहां से गैस क्या करेगी बेटा फ्लो ऑल ऑफ सडन टू फील द स्पेस इन सिलेंडर बी तो यहां पर प्रोसेस कैसी होगी बेटा एडियाबेटिक होगी प्रोसेस कैसी होगी सर एडियाबेटिक होगी और ये जो प्रोसेस यहां पर हो रही है इस प्रोसेस को आप कहेंगे सर फ्री एक्सपेंशन ये क्या कहा जाता है बेटा ये फ्री एक्सपांशन के नाम से जाना जाता है दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ फ्री एक्सपांशन डिटेल में पढ़ते हैं जरा फ्री एक्सपांशन को ठीक है डिटेल में पढ़ते हैं जरा फ्री एक्सपांशन को आ जाइए सभी बच्चे इधर सो so, क्या किया आपने आपके पास यहां पर सेटअप है आपके पास यहां पर क्या है बेटा सेटअप है ध्यान से देखना राइट वॉट यू हैव यू हैव अ सेटअप हियर राइट एवरीबडी और इस सेटअप में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा इस सेटअप में यहां पर आपने एक वॉल बना दी और यह वॉल जो है रिमूवेबल है बेटा ऑल ऑफ सडन आप इसे क्या कर सकते हैं ऑल ऑफ सडन आप इस वॉल को रिमूव कर सकते हैं ऑल ऑफ सडन आप इस वॉल को क्या कर सकते हैं बेटा रिमूव कर सकते हैं क्या हो रहा है ये? इस वॉल को आप यहां से क्या कर सकते हैं सर रिमूव कर सकते हैं देखो अब इसके तरफ यहां पर क्या बेटा यहां पर एक आपने गैस फिल करी हुई है सर वो कैसी गैस है सर वो कैसी गैस है यहां पर आइडियल गैस है वो कैसी गैस है दोस्तों आइडियल गैस है ध्यान से सुनिएगा कैसी गैस है दोस्तों आइडियल गैस है यहां पर क्या है सर प्रेशर जीरो है यहां पर क्या बेटा प्रेशर जीरो है द मोमेंट यू रिमूव दिस डिवाइडर बेटा द मोमेंट यू रिमूव द डिवाइडर क्या होगा पहली चीज तो यहां पर प्रोसेस कैसी हो रही है सर प्रोसेस ऑल ऑफ सडन है बेटा प्रोसेस कैसी है सर प्रोसेस ऑल ऑफ सडन है ऑल ऑफ सडन है और ये जो वॉल्स है ना प्रोसेस ऑल ऑफ सडन है और जो वॉल्स है वो कैसी है सर वॉल्स यहां पर रिजिड भी हैं वॉल्स यहां पर कैसे बेटा रिजिड भी हैं तो डेल्टा क्यू यहां पर क्या हो गया सर जीरो कि नो हीट विल बी गिवन और नो हीट विल बी टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग बेटा ना तो सराउंडिंग को हीट आप देने वाले हो और ना ही सराउंडिंग से हीट आप लेने वाले हो क्या कहते हो बताइए जरा येस और नो दिस इज द लास्ट सेकंड फॉर द थर्मो बेटा ठीक है दिस इज द लास्ट सेशन फॉर द थर्मो डेल्टा क्यू जीरो डेल्टा क्यू जीरो तो आपको पता चला कि सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो गया बेटा जीरो अच्छा डेल्टा डब्लू को हम क्या लिखते हैं बेटा डेल्टा डब्लू होता है सर यहां पर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा भी और ये वर्क डन क्या होता है बेटा ये वर्क डन होता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ये वर्क डन आपकी जब गेस करती है तो ये क्या करती है बेटा अगेंस्ट यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना एक्सटर्नल प्रेशर उसके अगेंस्ट यहां पर होता है इस तरफ तो क्या है बेटा इस तरफ आपके पास कोई प्रेशर है ही नहीं और इस तरफ अगर कोई प्रेशर नहीं है तो दिस गेस हैज नॉट टू डू एनी शॉर्ट ऑफ वर्क बेटा इस गैस को कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर देखो ना जरा ये इस प्रोसेस में यहां पर आपके पास प्रेशर नहीं है जब प्रेशर नहीं है तो आपको मोमेंट के लिए कोई रोकने नहीं वाला और yeah मोमेंट के लिए अगर कोई रोकने नहीं वाला तो गैस को वर्क डन नहीं करना पड़ेगा बेटा और गैस को अगर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो यहां पर आपका डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो आ गया डेल्टा डब्ल्यू अगर जीरो आ गया तो प्रोसेस यहां पर पता चली कि सर डेल्टा यू भी क्या हो गया सर जीरो हो गया डेल्टा यू क्या हो गया बेटा जीरो हो गया अब डेल्टा यू जीरो होने तक समझ में आता दो तरह की गैस है बेटा दो तरह की गैस हो सकती है एक कंडी हो सकती है सर फॉर आइडियल गैस और एक कहानी हम यहां पर पढ़ सकते हैं सर फॉर रियल गैस ठीक है हालांकि रियल गैस का सवाल नहीं आता बट मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको रियल गैस के बारे में भी पढ़ा दू ठीक है तो एक कहानी हम कर रहे हैं सर फॉर आइडियल गैस एक कहानी हम करेंगे सर फॉर रियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस में आपको मालूम है कि सर ये जो डेल्टा यू जिसकी आप बात करें इसके पास दो चीजें होती है एक काइनेटिक एनर्जी और एक दूसरा होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और हमें मालूम है कि सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा तो केवल और केवल क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी अच्छा डेल्टा यू का वैल्यू जीरो है दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या हो गया बेटा जीरो हो गया और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है सर वो होती है फंक्शन ऑफ टेंपरेचर काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो अगर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बेटा डेल्टा टी जीरो होना चाहिए और डेल्टा टी जीरो होने का मतलब है टेम्परेचर यहां पर क्या रहेगा कांस्टेंट तो फ्री एक्सपांशन जब होता है फ्री एक्सपांशन जब गैस का होता है बेटा और अगर वो गैस तुम्हारी आइडियल है अगर वो गैस तुम्हारी आइडियल है तो ना तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा ना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और ना ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा बेटा क्लियर एवरीबॉडी लॉजिक समझ में आया कम टू द नेक्स्ट वन। कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पहुंचे सर कम टू द नेक्स्ट वन फॉर द रियल गैस रियल गेस में भी लिखोगे तो सेम सर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इसको डेल्टा पी लिख देते हैं डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी पी ई कर देते नहीं तो पता चल उसको प्रेशर समझे अब ये तुम्हारा डेल्टा यू तो जीरो है ये तो स्टैंडर्ड है भैया डेल्टा यू तो जीरो है ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स से मिला तो रियल गैस में भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है लेकिन बेटा यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब दिस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है बेटा नॉन जीरो रियल रियल गैसेस गैसेस के के केस केस में में जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच का इंटरेक्शन नेग्लेक्ट नहीं होता और अगर इंटरेक्शन नेग्लेक्टेड नहीं है तो एक सिग्निफिकेंट यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है तो यहां हाँ, ये वैल्यू जीरो नहीं हुई और अगर ये वैल्यू जीरो नहीं हुई तो डेल्टा के का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ डेल्टा पीई अब अब कहानी क्या होगा सर फ्री एक्सपांशन हो रहा है फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो फ्री एक्सपांशन रिजल्ट इन बेटा यहां पर क्या हुआ सर हुआ क्या फ्री एक्सपांशन हुआ फ्री एक्सपांशन हुआ फ्री एक्सपांशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन आर वैल्यू बेटा इंक्रीज इन इंटर इंटरअटोमिक डिस्टेंस यस और नो इंक्रीज इन इंटर इंटरऑटोमिक डिस्टेंस और अगर इंटर ऑटोमिक डिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है अगर इंटरअटोमिक डिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है बेटा तो तुम यहां पर क्या लिखोगे है ना इंटरअटोमिक डिस्टेंस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है या जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है पीई -E, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है अगर आर बढ़ाओगे आर बढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यू कम होगी और नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती है उसका वैल्यू उसको एक्चुअल में उतना ही ज्यादा बोलते हैं माइनस हंड्रेड एंड माइनस टू को अगर आप कंपेयर करोगे तो हम बोलेंगे माइनस टू इज बिगर देन माइनस हंड्रेड राइट क्लियर है तो अगर तुम्हारा टेम्प वॉल्यूम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा मेरे दोस्त तो यहां पर क्या लिखोगे सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली यू कैन से कि सर यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा राइट फॉर द रियल केसेस यू कैन से देर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ओवर द इंटरनल एनर्जी बेटा बट यहां पर फॉर द रियल गेसेस इंटरनल एनर्जी विल चेंज इफ यू चेंज द वॉल्यूम ठीक है तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम का इंटरनल एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन यहां पर वॉल्यूम का इंटरनल एनर्जी के साथ लेना देना है बेटा ठीक है अगर कभी सवाल आ गया रियल गेस का एक थोरिटिकल तो ये एनालिसिस आपके सामने है इज दैट क्लियर टू यू ऑल एवरीवन, वन एवरी वन यहां तक सबको चमका सबको चमका दिल विल बनाओ जरा है ना बहुत अलग कहानी भी आपको जो है सिखा चुके हैं ठीक आगे आ जाइए सर आगे आ जाइए एक बेसिक सा सवाल है बेसिक सा सवाल है देखते जरा क्या होता है यहां पर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एडिया आइसोबेरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन फॉर द सेम चेंज इन द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम फोर किसके लिए मैक्सिमम होगा यार बात है देखो इसका जो प्रोसेस ए दिखाई दे रही ना इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा होगा आइसोबेरिक प्रोसेस का एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा वर्क डन कहा मिलेगा बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन कहा मिलेगा बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस में ठीक है चलो यहां पर ये एक प्यारा सा सवाल है जिसे आप ग्रह कार्य ले लीजिए जिसे आप ग्रह कार्य ले लीजिए ठीक है डिस्कस करेंगे हम कहां पर बेटा 4:30 पीएम पर स्पेशल क्लास में आज ही ठीक है 4:30 पीएम पर स्पेशल क्लास में आज ही मेरी प्रोफाइल पर जाकर आपको मिल जाएगा ठीक ना यहां पर आ जाइए सर इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज पी एंड वॉल्यूम वी ओके रेस्पेक्टिवली फर्स्ट एक्सपैंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम फोर वी एंड देन कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम वी द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी ओके सवाल बहुत प्यारा है रीड करते हैं वो ये बोल रहा है कि सर पी इनिशियल आपके पास पी है वी इनिशियल आपके पास वॉल्यूम वी है ठीक है यहां से आप इसको क्या करेंगे सर आइसोथर्मली यहां से आपको क्या करना है बेटा इसको आइसोथर्मली एक्सपैंड करना है यहां से क्या करना है बेटा आइसोथर्मली एक्सपैंड करना है जिसमें फाइनल वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा बेटा फाइनल वॉल्यूम आपका हो जाएगा फोर वी आइसोथर्मली एक्सपैंड करने का मतलब है टेंपरेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बेटा तो हम यहां पर फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते ये हमें नहीं मालूम है वॉट विल बी बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे PV to, हम पी टू का वैल्यू निकालना चाहते और ये हमारे पास फोर वी निकल कर आ गया वी से वी कैंसिल हुआ सर पी टू का वैल्यू कितना हो गया पी डिवाइडेड बाई फोर में डायरेक्ट लिखने वाला था बट फिर आपको कहोगे कि सर आपने बहुत तेज पढ़ा दिया ठीक है सो पी बाई फोर कितना निकल कर आ रहा है सेकंड आगे आने वाला है सेकंड लॉफ अभी आगे आने वाला है डोंट वरी इतना क्लियर हुआ इतना क्लियर हुआ बेटा पी टू इज इक्व टू पी बाई फोर यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी अब आपके पास क्या सिचुएशन है अब आपके पास सिचुएशन ऐसा है कि सर यहां पर प्रेशर जो है ना पी फाइनल उसका वैल्यू पी बाई फोर हो गया अब आपकी जो गैस है ना उसका जो वॉल्यूम वी फाइनल है वो आपके पास फोर वी हो गया नाउ नाउ यहां पर आपको एडिया बैटिक क्या करना है बेटा एडिया कंप्रेस करना है और जब आप एडियाबेटिकली कंप्रेस करोगे तो वी फाइनल है ना वी फाइनल अब रिलेशन क्या है अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन है तो आपको मालूम है सर पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट होगा क्या बोलते हो दोस्तों पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट होगा ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे इसने ये तो कहा ही नहीं हमें कि कंप्रेस्ड एटियाबेटिकली टू वॉल्यूम वी ओके ठीक है चलो करते हैं देखते हैं क्या निकल कर आएगा सर ये हो जाएगा पहला वाला p बाय फोर ठीक है वॉल्यूम हो जाएगा सर हमारे पास कितना 4v और 4v वी टू दी पावर क्या हो गया बेटा गामा इज इक्वस टू हम यहां पर बोलेंगे सर द नेक्स्ट वन वो हो जाएगा सर हमारे पास प्रेशर यहां पर हमें कैलकुलेट करना है सर पी प्राइम और ये वाला रिजल्ट जो है वॉल्यूम ये हो जाएगा सर वी टू दी पावर गामा ओके गा, तो यहां आ गया सर ये वाला वैल्यू आपका पी है दिस विल बी फोर ये हो गया सर फोर टू दी पावर गामा ये हो जाएगा सर वॉल्यूम टू दी पावर गामा इज इक्व टू पी प्राइम और ये हो जाएगा सर आपके पास दिस तो ये आपने क्या किया बेटा कैंसिल आउट किया गामा का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है यार है ना गामा का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ राइट डीपीपी कहां मिलेगी डीपीपी हेलो फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कम्युनिटी में मिल जाएगी ठीक है हुँ? गामा का वैल्यू ही नहीं दिया हमें है ना गामा का वैल्यू नहीं दिया तो ये क्वेश्चन प्रोसीड कैसे होगा ठीक है तो यहां पर क्या हो गया सर हमारा पी प्राइम हो गया पी प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा सर फोर टू दी पावर गामा माइनस वन फोर टू दी पावर क्या हो जाएगा सर गामा माइनस वन अब कंसिडरेशन क्या लेकर चले तो ये तो अलग अलग वैल्यूज यहां पर निकल कर आ सकती है फोर टू दी पावर गामा माइनस वन में बनेगा बेटा आपका यहां पर प्रेशर पी अब गामा का वैल्यू मोर देन वन लेकिन वो कुछ भी हो सकता है ठीक है लिस्ट टू तो लिस्ट 1.33 होता है लिस्ट टू तो लिस्ट 1.33 होता है तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी ठीक है चलो अलग अलग गामा की वैल्यूज़ पर अलग अलग आ जाएगा अगर मोनो होगा तो कुछ और प्रेशर आ जाएगा डाई होगा तो कुछ और प्रेशर आ जाएगा और अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुई तो कुछ पॉलीएटॉमिक गैस हुई तो कुछ और आ जाएगा ठीक है क्योंकि इसके लिए गामा यहाँ पर आपका फाइव बाई थ्री हो जाएगा इसके लिए गामा आपका सेवन बाई फाइव हो जाएगा तो वैल्यूज़ यहाँ पर अलग अलग आ जाएगी बेटा ठीक है क्लियर है क्लियर है कि नहीं एवरीबडी हां तो इसमें एक्चुअली गामा का वैल्यू गिवन नहीं है गामा का वैल्यू होना चाहिए था अगर गामा का वैल्यू हम यहां पर क्या कर ले फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहां पर गामा का वैल्यू टू ले लेते हैं अगर हम गामा का वैल्यू गामा का वैल्यू अगर हम टू ले लेते हैं इन दैट केस यहां पर क्या होगा बेटा ये वाला जो है आपका पी प्राइम का वैल्यू फोर टाइम्स ऑफ पी आ जाएगा एक स्पेसिफिक कंडीशन में जिसमें आपको गामा गिवन ही नहीं है तो फोर पी आंसर करने के लिए बस मैंने यहां पर गामा का वैल्यू लास्ट में जाके गिवन कर दिया ठीक क्लियर है अंडरस्टूड एवरीबडी गामा की अलग अलग वैल्यूज पर गामा की अलग अलग वैल्यूज पर यहां पर क्या होगा ये जैसे फोर बाई थ्री है तो गामा की अलग अलग वैल्यूज पर यहां क्या होगा आपका पी प्राइम का वैल्यू डिपेंड करेगा ठीक है गामा की अलग अलग वैल्यूज पर ये डिपेंड करेगा ठीक है ये समझ आया कि नहीं चलिए ना आगे बढ़ते हैं सर एक बहुत प्यारा सा सवाल है डायरेक्ट कन्वर्जन का है

प्रेशर यहां भी कांस्टेंट रहना चाहिए और आपको बोला गया है कि आइसोबेरिक है पहली प्रोसेस ठीक है आइसोबेरिक आइसोथर्मल प्रोसेस बीसी कैसा होगा बेटा ये वाला आपका आइसोथर्मल हो गया या आइसोथर्मल हो गया प्रोसेस बीसी आइसोथर्मल आइसोथर्मल का मतलब है इसमें आपका क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इस बी वाले कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो यू कम टू नो दैट कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसमें एक्सपांशन हो रहा है यानी कि प्रेशर आपका डिक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो बेटा यहां पर आपको कर्व अपने आप ही समझ में आ गया कि ये वाला रिजल्ट जो है करेक्ट हो जाएगा बेटा यहां पर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए और ये इस तरह से जाएगा तो यू पल आर हैविंग द करेक्ट रिलेशन ऑप्शन बी बेटा ठीक है यस और नो ठीक है ठीक है सर हाँ 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 ठीक है ठीक है दोस्तों चलो अगला सवाल अब ये जो है ये तुम्हें क्या मिल रहा है ये तुम्हें मिल रहा है होमवर्क डिस्कशन हम कहां पर करेंगे 4:30 पीएम पर स्पेशल क्लास में बेटा दो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं ठीक चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है ठीक है बहुत सिंपल है ये हम पहले ही कर चुके हैं ये हमारा एक्चुअली इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा कल की क्लास में हो चुका है तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में आ चुका है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं बेटा कैसी प्रोसेस की बात करते हैं सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं जल्दी से यहां आ जाइए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा पी वी टू दावर पी वी टू दी पावर आर

ठीक है ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन अगर ए का वैल्यू वन हुआ अगर ए इज इक्व टू वन हुआ बेटा तो पी वी टू दी पावर क्या हो जाएगा पी वी टू दी पावर वन इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट ये प्रोसेस कैसा हो गया ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल थर्मल हो गया ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा आपका आईसो थर्मल हो गया दूसरी बात अगर ए का वैल्यू जीरो हुआ ए का वैल्यू क्या हुआ बेटा जीरो यानी कि यहां पर प्रेशर P इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और प्रेशर P कॉन्स्टेंट होने का मतलब है आइसो बेरिक प्रोसेस हो गया बेटा ये कैसा हो जाएगा आपका आइसो बेरिक प्रोसेस हो जाएगा बहुत बढ़िया आइसोबेरिक नहीं होना चाहिए आइसो बेरिक प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए आइसोबेरिक अगर ए का वैल्यू क्या हो गया बेटा इंफिनिटी लिया यानी कि वी टू दी पावर अब v पावर इन्फिनिटी को अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म है बेटा इसमें वॉल्यूम एक तरह से कॉन्स्टेंट हो जाएगा और प्रेशर यहां पर क्या कर जाएगा बेटा आपका अफेक्टेड नहीं रहेगा तो वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो यह प्रोसेस क्या हो गई सर आपकी आईसो कॉरिक हो गई ये प्रोसेस क्या हो गई बेटा आईसो कॉरिक हो गई तो ये तीनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है ए का वैल्यू अदर देन वन जीरो इंफिनिटी और एक और चीज बेटा ए का वैल्यू यहां पर गामा भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए का वैल्यू क्या हो गया गामा हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा पी वी टू कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा बेटा ये कैसा हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा कुल मिलाकर नहीं हो सकते का मतलब क्या है नहीं हो सकते का मतलब ये है कि अगर ए का वैल्यू वन है तो फिर प्रोसेस तो आइसोथर्मल गई ना तो जितना कुछ हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ए का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाएगी जो कुछ हमने आइसोकोरिक प्रोसेस में पढ़ा वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा क्या ये बात समझ में आ रही है तो दैट इज वाई ये चार चीजें नहीं हो सकती की बात तो इसका कर्व भी कुछ इस का बने जिसमें स्लोप की जब आप बात करेंगे DV, तो बिल्कुल सेम आएगा यहां पर बस ए आ जाएगा गामा की जगह पी डिडेड बाई वॉल्यूम तुम्हारा स्लोप बनेगा बेटा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए यहां पर आप इसे एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ कंपेयर कर सकते हो ठीक एक चीज ये हो गई दूसरा आपको वर्क डन चाहिए बेटा तो वर्क डन जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या आएगा ये आ जाएगा आपके पास एन आर ठीक है ध्यान से देखिएगा दैट वुड बी माइनस ऑफ एन आर डिवाइडेड बाय ए माइनस वन और इनटू में यहां पर क्या आएगा बेटा इनटू में यहां पर आएगा डेल्टा टी दिस इज व्हाट वी हैव ठीक है ये वर्क डन भी हो गया अरे बस खाली गामा की जगह गामा की जगह ए डाल दो यार गामा की जगह ए डाल दो सब कुछ क्लियर है गामा की जगह ए डाल दो अपने आप खत्म हो जाता है सवाल ठीक है बस वर्क डन भी क्लियर हो गया सर वर्क डन भी क्लियर हो गया सर और क्या बचता है और क्या बचता है बचता है सी यहां पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी क्या होगा सी का वैल्यू होता है बेटा सी वी माइनस आर डिवाइडेड बाय ए माइनस वन ये फॉर्मूला होता है ये क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है इसे ध्यान रखेगा ये क्या होता है बेटा आपका फॉर्मूला होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए आपसे एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि आपको एक प्रोसेस यहां पर गिवन है p v टू पावर कॉन्स्टेंट पी वी टू दावर थ्री टू कॉन्स्टेंट और जो गैस है बेटा जो गैस यहां पर आपको गिवन है वो डायटोमिक है वो गैस कैसी है सर वो यहां पर आपकी जो है डायटोमिक कैसे होगा हाँ, डायऑटोमिक गैस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है डाय गैस है ठीक है मैं पोलि सोच रहा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ठीक डाय है डायटोमिक गैस है

रिजल्ट आएगा आपका फाइव आर डिवाइडेड बाई टू और ये रिजल्ट आएगा बेटा आपका डिवाइडेड ढाई में से आधा जाएगा दो बचेगा यानी कि दिस रिजल्ट विल बी टू आर क्या बोलते हो दिस रिजल्ट विल बी आंसर आ रहा है आंसर सभी लोगों का एक और सवाल करा के बता देता हूं एक और सवाल करा के बता देता हूं सवाल में मान लीजिए किसी ने ऐसा दे दिया पी वी टू दी पावर पी वी टू दी पावर जो है आपको दे दिया माइनस टू बेटा पी वी टू दी पावर माइनस टू इज इक्व टू कॉन्सटेंट मिल सकते हैं ऐसे सवाल पी वी टू दी पावर माइनस टू इज इक्व टू कॉन्स्टेंट गेस यहां पर आपको क्या बोल दी बेटा गैस यहां पर आपको बोल दी मोनो अटोमिक गैस यहां पर आपको बोल दी बेटा मोनो ऑटोमिक ठीक है गैस यहां पर आपको बोल दी बेटा मोनो ऑटोमिक बहुत अच्छे से गैस आपको समझ में आ गई पूछा है बताइए सी वैल्यू क्या होगा सिंपल वही फॉर्मूला सी इज इक्वस टू सी वी माइनस आर डिवाइडेड बाई क्या लिक?

समझ में आ रहा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है एवरीबॉडी बताइए जरा एक बार जल्दी से कि ये भैया यहां तक चीजें समझ में आ गई कोई परेशानी नहीं है यहां तक चीजें समझ में आ गई कोई परेशानी नहीं है अब कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हो रहा है वर्क डन बाय द बास क्यू बाई फोर तो आपसे पूछा बताइए सी का वैल्यू क्या होगा बताइए सी का वैल्यू क्या होगा बेटा एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है प्रोसेस कैसा बेटा प्रोसेस है आपका प्रोसेस कैसा है सर प्रोसेस यहां पर आपका पॉलीट्रॉपिक है जिसमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज क्यू वर्क डन बाय द गेस इज क्यू बाय फोर तो यहां एक चीज आपको समझनी बेटा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं सर डेल्टा क्यू तो क्यू था आपका है ना माइनस यहां पर डेल्टा डब्लू को इस तरफ लाके माइनस करेंगे क्यू बाई फोर हो जाएगा इज इक्व टू डेल्टा यू बना सर डेल्टा यू का वैल्यू आपके पास निकल कर आ रहा है डिवाइडेड डिवाइडेड क्या निकल आया बेटा बहुत बढ़िया चलो अच्छी बात है अब यहां पर डेल्टा क्यू को हम क्या लिखते हैं बेटा डेल्टा क्यू को हम लिखते हैं सर एनसी डेल्टा टी डेल्टा क्यू को क्या लिखते हैं बेटा एनसी डेल्टा टी अब अगर प्रोसेस पता हो कि कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आसानी से यहां पर सी का वैल्यू लिखा जा सकता है लेकिन यहां तो प्रोसेस कैसी पॉलिट्रॉपिक सी नहीं मालूम तो आप यहां पर क्या लिखोगे सर सी का वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन ये होगा डेल्टा टी अच्छा यू जो डेल्टा यू जो होता है ना बेटा ये होता है आपका यहां पर एन है ना ये क्या होता है बेटा डेल्टा यू यू जो होता है ना यू को हम और क्या लिख सकते हैं अरे बताइए थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर आपने निकाल लिया ना थ्री क्यू डिवाइडेड बाई फोर आपने निकाल लिया डेल्टा यू को आप लिख सकते हैं सर NCV डेल्टा टी हाँ NCV डेल्टा टी तो भैया यहां से एन डेल्टा टी का वैल्यू आपके पास निकल कर आएगा थ्री क्यू डिडेड बाई फोर इन टू मै सी वी इसको उठाइए इस को और यहाँ पटक दीजिए तो C इज इक्वे बना आपके पास डेल्टा क्यू ये Q से Q से कैंसिल हो गया तो ये बना फोर सी वी ऊपर गया बेटा नीचे आ गया आपका थ्री तो C का वैल्यू फोर बाय थ्री तो बाहर है सीवी की जगह क्या होगा बेटा अच्छा गेस नहीं बताई चलो मोनो ऑटोमिक ले लो गेस बताना पड़ेगी कि भाई कौन सी है ठीक है मोनो ऑटोमिक ले लो तो मोनो ऑटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी बेटा थ्री बाय टू आर तो यहां पर थ्री से थ्री कैंसिल किया फिर से सी का वैल्यू आज देखो मोहरत सारे के सारे ऐसे बने सारे सवाल में आंसर टू ही आया सारे के सारे सवाल में आंसर टू ही आया कहां पर माइनस थ्री होगा कहां पर माइनस थ्री होगा पिछले वाले में पिछले वाले में मैंने क्या किया अच्छा ये यहां पे गलती करी आज पता नहीं यार आज कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं ये माइनस थ्री तो माइनस माइनस अच्छा फिर तो ये आंसर टू आर नहीं आया अरे यार तुम लोगों ने करेक्शन करवा के सब जो है ये हो जाएगा कितना नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन आर डिवाइडेड सिक्स ठीक है इलेवन आर डिवाइडेड सिक्स ठीक है ठीक है आज गलतियाँ हो रही है आज माफ़ करो ठीक है आज गलतियाँ हो रही है आज माफ़ करो है ना आज आज पता नहीं चीज़ें ठीक नहीं हुई है ना गजब का का <laughs> चलो चलो दिल विल बनाओ अगर अभी तक की कहानी क्लियर है तो एडियाबैटिक पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस अगर क्लियर हो गई तो दिल विल बना दो राइट है ना एडियाबैटिक प्रोसेस अगर क्लियर हो गई तो दिल विल बना दो फिर शुरू करते हैं आगे की कहानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स सिंपल है बेटा स्टेटमेंट केवल एक्सप्लेन करूंगा ठीक है सिंपल है केवल एक्सप्लेन स्टेटमेंट को केवल एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को उसे क्या करना है बस सुनना है ठीक है तो यहां पर दो तरह के स्टेटमेंट्स बनते हैं ठीक है थीके? और सभी स्टेटमेंट का मीनिंग केवल एक है वो ये कि अगर आपको हीट फ्लो करवानी हो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है बेटा आपके पास यहां पर एक क्या है हॉटर बॉडी है हॉटर रिजर्वोयर है यहाँ पर आपके पास एक कोल्डर रिजर्वोयर है बेटा ठीक है टीसी है तो हीट विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम हीट विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर यहां पर हीट क्या करेगा बेटा हीट फ्लो होगा हीट फ्लो हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर बट अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन ये है आप ऐसा चाहते कि सर यहाँ पर यहाँ पर क्या है लोअर बॉडी है यहाँ पर क्या है हायर बॉडी हायर टेम्परेचर बॉडी है एंड यू वांट कि हीट यहाँ पर इस तरफ फ्लो करे हीट यहाँ पर इस तरफ फ्लो करे तो इस तरफ हीट को फ्लो करवाया जा सकता है बट बट यहां पर आपको कोई मशीन लगानी पड़ेगी यहां पर आपको कोई इंजन लगाना पड़ेगा कोई वर्किंग सब्सटेंस आपको यहां पर लगाना पड़ेगा बेटा ठीक है विदाउट मशीन यह काम नहीं हो सकता यानी कि सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कहता है हीट कैन नेचुरली फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टूवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर बॉडी बट इफ यू विश कि आपका हीट लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करे तो यू नीड एन एक्सटर्नल सब्सटेंस बेटा या फिर आपको एक एक्सटर्नल मशीन की जरूरत पड़ेगी तब जाकर आप ये काम कर पाएंगे जैसे बेस्ट एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर लगा होता है बेटा वो क्या करता है हमारे रूम का किचन का जो टेम्परेचर है वो अंदर रखी चीजों के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज्यादा है लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम में से हीट एक्सट्रैक्ट करता है और उस हीट को रिजेक्ट करता है किचन के अंदर ठीक है क्लियर है इसका एक और स्टेटमेंट आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सपोज अगर हायर टेम्परेचर बॉडी और लोअर टेम्परेचर बॉडी है तो यहां पर आप पूरी की पूरी हीट को हॉटर रिजर्व से लेकर आप उसे कंप्लीट वर्कडन में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा एज अ लॉस बेटा ठीक है या फिर जो मशीन है जैसे अगर आप इंजिन की बात करो बेटा कि, किसी भी तरह के अगर आप इंजिन की बात करोगे तो कोई भी इंजिन बिना कुलेंट के नहीं चल सकता क्योंकि इंजिन क्या करेगा सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है देखो यहां जाइए ये क्या है सर ये आपके पास है टीसी एच पर क्या है सर यहां पर सिंक है और वो हो गया टीसी लोअर टेम्परेचर पर अब बीच में आपको क्या लगाना है बेटा बीच में आपको यहां पर लगा के रखना है वर्किंग यहां पर इंजन बीच में आपने यहां पर क्या लगाया बेटा बीच में आपने यहां पर लगाया इंजन अब इंजन क्या करेगा इंजन यहां से हीट लेता है और इंजन यहां पर इसको हीट रिजेक्ट करता है ठीक है इंजन यहां से हीट लेता है और इंजन यहां पर हीट रिजेक्ट करेगा यह संभव ही नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल कि यह जो इंजन है यह पूरी की पूरी हीट यहां से ले डेल्टा क्यू और सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको दे दिए नॉट पॉसिबल है बेटा ठीक है जितना हीट लिया उतना वर्क डन नहीं मिल सकता ठीक है क्योंकि इस इंजन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है यू नीड सम कूलेंट बेटा तो यहां पर क्या किया जाता है यहां पर ये किया जाता है, जाता है है इसको कूलेंट भेजा जो कूलेंट क्या करता है बेटा जो कूलेंट इस के को, इस इंजन इंजन के के को को सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखता है जो क्या करेगा बेटा इस इंजन के टेम्परेचर को सराउंडिंग टेम्परेचर जहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है उसके कंपैरिजन में इसको क्या करेगा ठंडा करके रखेगा तभी तो आप लोग गाड़ियों में देखते हो कि अगर कुलेंट खत्म हो जाता है तो गाड़ी गर्म बहुत होने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद इंजन बंद पड़ जाता है क्यों कूलेंट पर इतना ध्यान दिया जाता है बिकॉज कुलेंट जो है इंजन को ठंडा करेगा और ठंडा करके वो क्या करेगा बेटा यहां पर जो सराउंडिंग है उसके कंपेरिजन में टेम्परेचर कम कर देगा और अगर ये इंजन का सराउंडिंग से कम रहेगा तो आप देख रहे हैं हीट कहां रिजेक्ट हो रही है बेटा हायर टेम्परेचर पर कहां से लोअर टेम्परेचर से कर कौन रहा है इंजन करेगा इंजन क्या है एक एक्सटर्नल मशीन है तो वेनएवर यू विश टू ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टूवर्ड्स हायर टेम्परेचर बॉडी तो वो आप एक एक्सटर्नल मशीन के बिना नहीं कर पाओगे लॉजिक समझ में आया बेटा है ना? यहां तो समझ में आता है रेफ्रिजरेटर के केस में लेकिन हीट इंजन के केस में देर इज अग बिग डाउट डाउट इन द स्टूडेंट माइंड बेटा ठीक है यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि सर यहां तो हॉटर से कोल्डर पर तो आना है तो सीधा सीधा आ जाए इंजन की जरूरत क्या है अरे भाई इंजन आपने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जितनी हीट आप लेते हो सोर्स से उतना ही आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं मिलता है देयर मस्ट बी सम लॉसेस बेटा यही रीजन है कि, कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं होती ठीक है लॉजिक समझ में आया कुलेंट का काम समझ में आया कुलेंट क्या काम करता है कूलेंट की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए चलिए तो यहां पर हम बात करते सर हीट इंजिन के बारे में हम यहां पर बात करते बेटा हीट इंजन के बारे में देखो यहां पर क्या होगा एक हमारे पास होगा जिसको हम कहते हैं सर सोर्स एक हमारे पास रिजर्व है जिसको हमने कहा

T यहां पर कॉन्स्टेंट होगा नो मैटर नो मैटर हाउ मच हीट एक्सट्रैक्टेड नो मैटर नो मैटर बेटा हाउ मच हीट इज एक्सट्रैक्टेड हाउ मच डेल्टा Q टेकन ठीक है हाउ मच डेल्टा Q टेकन अब सुनो प्रैक्टिकली संभव नहीं है ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि किसी रिजर्वोयर का स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी इनफाइनाइट कर दो एंड यू मेंटेन द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बेटा अगर तुम उसमें से हीट लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो तो पक्की बात है कि वहां पर क्या होगा बेटा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एग्जाम्पल हम रोज गाड़ी चलाते हैं यार बाइक चलाते हैं बाइक चलाते बाइक में पेट्रोल डलाते पेट्रोल कंबशन चैंबर में जाकर बर्न होता है वहां पर हीट डेवलप होती है और वहां पर पिस्टन में मूवमेंट आपको मिलता है जिससे आपकी गाड़ी का पहिया चलता है ठीक है अब अगर टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता अगर सी इनफाइनाइट होता मतलब एक बार गाड़ी में पेट्रोल डालो जिंदगी भर गाड़ी चलती रहे संभव ही नहीं है अपन ने तो कल ही पेट्रोल डलवाया पचास रुपए का और आज दस किलोमीटर गाड़ी को धक्का देना पड़ा है ना ऐसा होता है ना जिंदगी में ये सो और नो तो बेटा सी इनफाइनाइट ये थियोरिटिकल स्टेटमेंट है ये है क्योंकि ये मान के चल रहा है कि चाहे मर्जी जितनी आप यहां पर क्या कर लो सागर क्यों अरब महासागर महा से अगर आप क्या करोगे एक बाल्टी पानी निकालोगे क्या ही फर्क पड़ेगा दो बाल्टी पानी निकालोगे क्या फर्क पड़ेगा रोज एक बाल्टी पानी आप उस अरब महासागर से निकालते चले जाइए और उस पानी को कहीं आप क्या करिए बेटा डालते चले जाइए अरब महासागर अगर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा यह है कहने का मतलब विजुअलाइज हुआ सभी लोगों को फिर यहां आ जाइए अगली बात क्या करेंगे सर अब बीच में यहां पर आपको कौन मिलेगा बीच में यहां पर मिलेगा आपको इंजन। बीच में यहां पर कौन मिलेगा बेटा इंजन। इंजन यहां पर क्या करेगा सर ये हीट इंजन के पास आएगी ये हीट इंजन के पास आएगी हीट टेकन है इंजन यहां पर वर्क डन करेगा बेटा डब्लू और बची हुई हीट को रिजेक्ट करेगा बेटा सोर्स के पास कहां रिजेक्ट करेगा सर सोर्स के पास सोर्स कौन है अब यहां आ जाइए ये रहा आपका सॉरी स्... सिंक ये क्या है बेटा सिंक है सिंक का टेम्परेचर क्या है बेटा T2 ये भी किस में होगा कैलविन में सिंक का टेम्परेचर ये भी होगा कैलविन में इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट यानी कि इसका भी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा नो no मेटर है ना इसका टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा नो मेटर नो मेटर हाउ मच हीट नो मेटर हाउ मच डेल्टा क्यू है ना यहां पर गिवन चाहे मर्जी जितना चाहे मर्जी जितना हीट तुम इसको देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ ये सारी हीट एब्जॉर्ब कर जाएगा ये कहने का इसका मतलब है ये कहने का इसका मतलब है ये दोनों ही चीजें थ्योरिटिकल है बेटा नहीं ये संभव है नहीं ये संभव है ये थ्योरिटिकल होने के बावजूद भी ये कारनोट का कारनामा है ये किसका कारनामा बेटा कारनोट का कारनामा है वो थ्योरिटिकली ये सारी चीजें मान रहा है बावजूद उसके उसकी एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं है तो जब थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट की एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं है तो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल इंजिन की एफिशिएंसी 100 परसेंट कैसे हो सकती है ठीक है तो चलो यहां पर हम समझते हैं क्या किया सर आपने वर्क डन किया वर्क डन कितना किया सर क्यू वन हीट ली थी और क्यू टू किया एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है बेटा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी ऑफ इंजन यहां पर हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई आपने कितना यहां पर एनर्जी लिया कितना काम किया डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी आपने लिया तो सर एफिशिएंसी यहां पर हो जाएगी Q1 वन माइनस हो जाएगा बेटा Q2 टू होल डिवाइडेड बाय आएगा Q1 एफिशिएंसी का वैल्यू कम्स आउट टू बी वन माइनस Q2 टू डिडेड बाई क्यू बेटा ठीक है ये यहां पर आपको आइडिया लग जाना चाहिए सर इस तरह से हम बात करते हैं ठीक है चलो कारनोट ने क्या किया था कार्नोट ने यहां पर क्या किया अपना एक पूरा कंप्लीट साइकिल बनाया बेटा कारनोट ने क्या किया अपना एक पूरा कंप्लीट साइकिल बनाया वो ये कहता है कि पहले आप वर्किंग सब्सटेंस का क्या करेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन करेंगे बेटा यहां पर क्या होगा यहां पर आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ आप पहुंचे इस स्टेट से पी वन वी वन टी वन से कहां पर पहुंच गए सर प्रेशर बिकम्स पी टू वॉल्यूम बिकम वी बट टेम्परेचर अभी भी T1 ही रहेगा फिर यहां से एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ बेटा फिर यहां से एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन जब हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन जब हुआ प्रेशर बिकम P2, टू वॉल्यूम बिकम वी टू टेम्परेचर बिकम टी फिर इसके बाद यहां पर क्या होगा सर वापस से वापस से वर्किंग सब्सटेंस का आइसोथर्मल क्या होगा बेटा वापस से वर्किंग सब्सटेंस का आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा ये यह यहां पर पहुंचा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यानी कि P3 पर आया P4 पर आया और पहुंचा वो कहां पर बेटा t2 टेंपरेचर पर क्योंकि ये क्या है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया दिस प्रोसेस इसके बाद आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन हुआ बेटा लास्ट में आपका क्या हुआ सर एडियाबेटिक लास्ट में आपका क्या हुआ बेटा ये वाली प्रोसेस आपकी हो गई एडियाबेटिक कंप्रेशन और इस एडियाबेटिक कंप्रेशन में p3 से वापस p1 पे पहुंच गए है ना अरे ये वॉल्यूम v3 होगा ना रुको यहां पर क्या होगा सर प्रेशर P3 थ्री वॉल्यूम वी थ्री, और वापस कहां पहुंच गए देखो P1 से अरे ये ये टू होगा यार ये थ्री होगा ये टी टू होगा ये फोर होगा ये फोर होगा ठीक है होगा फोर से P1 पर वापस से V4 से V1 पर और T2 से टेम्परेचर T1 पर ठीक है बेटा ये एक आपका पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाता है जिसमें क्या क्या है चीजें आइसोथर्मल एक्सपांशन एडियाबेटिक एक्सपांशन इसमें कौम्परेशन, कौम्परेशन। जब हो रहा है, तो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा आइसोथर्मल तो के बराबर होगा एंड दैट वुड बी फोर श्योर इसको आप क्या लिख सकते बेटा याद करो एनआरटीएल और ये क्या हो जाएगा आप लिखेंगे सर वी फाइनल वी टू डिड बाई वी इनिशियल वी वन याद आ रहा है सभी लोगों को ऐसे करते थे है। सर यहां पर क्या हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ एडियाबेटिक एक्सपांशन में अमाउंट ऑफ हीट जो है वो तो यहां पर आपने कुछ नदी नली एडियाबेटिक एक्सपेंशन था तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का जो वर्क डन होगा ना डब्ल्यू एडिया बेटा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का एन है ना ऐसे लिखेंगे बेटा आप यहां पर माइनस का लिखेंगे सर एन नीचे हो जाएगा सर गामा माइनस वन और टेम्परेचर क्या आएगा सर फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि यह आएगा सर टी टू ऐसे लिख लिया हमने ध्यान से देखिए जरा फिर आप पहुंचे सर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में आइसोथर्मल कंप्रेशन कंप्रेशन की बात हो रही बेटा आइसोथर्मल फिर से जो अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा होगा, वहीं यहां पर W3 भी हो जाएगा बेटा. आइसोथर्मल क्या हो गया बेटा? यहां पर ये यह आपका कंप्रेशन और अगर कंप्रेशन है तो value क्या लिखेंगे सर? Value लिखेंगे सर? हम यहां पर nR और temperature. यहां पर पर जैसे T1 था ये T2. T2 हो जाएगा बेटा यानी कि ये V4 हो गया बेटा और V इनिशियल आपका वी टू हो वी थ्री हो गया ठीक है कि नहीं एवरीबॉडी फिर अगली बात हम पहुंचे सर, 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 में आप पहुंचे, वहां पर फिर से लिखोगे लिखोगे का नीचे लिखोगेचर क्या है भैया टी वन इनिशियल टेम्परेचर क्या है भैया टी टू है ठीक क्लियर है ध्यान 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 से 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 देखो देखो, तो जरा, सर क्या ध्यान से इस रिलेशन को अगर मुझे रेसी रिवर्स करके लिखना हो बेटा ये माइनस साइन को तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एनआर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन और ये कहानी हो जाएगी टी वन माइनस टी टू बोलो यस और नो ये या वाली कहानी टी वन माइनस टी टू फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल होता है बेटा फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल होता है यहां पर फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल होता है आगे यहां पर अपन माइनस साइन लगा देते ना आगे यहां पर अपन माइनस साइन लगा देते कॉम्प्रेशन की वजह से मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूं इस प्रोसेस में कि तुम ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन अगर देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं दीज टू वर्क डन कैन बी कैंसिल आउट बेटा तो इस कार्नोट साइकिल में इस कार्नोट साइकिल में अगर आप कंप्लीट एफिशिएंसी वाइज अगर जाते हैं बेटा ठीक है तो आप ऐसा लिखेंगे कि सर अगर इस कारनोट साइकिल की एफिशिएंसी को डिफाइन करना हो तो वन माइनस आप यहां पर क्या लिखेंगे सर क्यू वन डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाएगा है ना अरे लिख देते हैं। चलो एक काम करते हैं टोटल वर्क डन क्या लिखोगे बेटा टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हिट सप्लाइड बेटा यहां पर क्या आएगा सर अमाउंट ऑफ हिट सप्लाइड अच्छा टोटल वर्क वर्क डन डन में में क्या आएगा सर टोटल एक चीज आप देखो केवल ये वाला आपका है ना ये वाला एक्सपेंशन का और ये वाला कॉम्प्रेशन का वर्क डन काउंट हो रहा है बाकी बाकी ये वाले दोनों तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो कि सर एनआर एनआर T1 ये बन जाएगा सर आपका एल एन ऑफ अब पूरा पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे एक बार है इसलिए बस बता दे रहा हूं वी टू डिडेड बाई वी वन माइनस यहां पर आप लिखोगे सर एन आर ये हो जाएगा बेटा T2 और ये होगा सर एल एन यहां पर वैल्यू हो जाएगी सर आपका वी फोर डिवाइडेड बाई वी थ्री क्या यहां तक बात समझ में आ रही है अमाउंट ऑफ हीट आपने कितना दिया टोटल वो यहां पर आप डाल दीजिए क्यू तो कुल मिलाकर ये भी वैल्यू वैसे निकल कर आता वन डिवाइडेड बाई बेटा कैसा क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन और आप इसको रेसी आप यहां पर अगर देखेंगे तो जो हीट होता है हीट इज द फंक्शन ऑफ बेटा यहां पर आइसोथर्मल की कंडीशन में क्यू जो है वो क्या हो गया बेटा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनआर डेल्टा टी होता है ना क्यू इज इक्व टू एनआर डेल्टा टी राइट right. तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पर T2 टू डिवाइडेड बाई टी अब ये मैंने थोड़ा सा क्या किया है कंप्लीट डेरिवेशन अभी यहाँ से और सॉल्व करते है ना ये प्रोसेस आपकी एडियाबेटिक थी इसमें V2 का और V3 का को रिलेशन टेम्परेचर के साथ निकालते इसमें इस एडियाबेटिक इक्वेशन में हम V4 और V1 का को रिलेशन कैलकुलेट करते टेम्परेचर्स की टर्म में फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते यार ये बहुत लंबा हो जाता ये काम बहुत लंबा हो जाता हम इस लंबे काम को शॉर्ट फॉर्म में ले आए और शॉर्ट फॉर्म में सीधा हमने यहां पर लिख लिया एक बार दिल बना दो मुझे ये बता दो कि हाँ भैया चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपने यह फॉर्मूला याद रखना है प्रोसेस पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है एवरी प्रोसेस बस पता हो कि चल क्या रहा है फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है कि नहीं ठीक है कि नहीं गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग हम्म जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला Q1 वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन ठीक है क्यू वन माइनस क्यू पीछे भी हमने यही फॉर्मूला एग्जैक्ट देखा था बेटा ठीक है तो टेम्परेचर के टर्म्स में निकलकर इस तरह से आ जाता है ठीक चलिए रेफ्रिजरेटर क्या होता है एक साथ पढ़ा देते हैं फिर सवाल करते हैं बेटा रेफ्रिजरेटर क्या होता है रेफ्रिजरेटर में काम होता है उल्टा यहां पर होता है आपका सोर्स ठीक है यहां पर होता है आपका बेटा सोर्स सोर्स होता है टेम्परेचर किस पर t1 केल्विन पर ठीक है टेम्परेचर एक तरह से t1 केल्विन पर यहां पर होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस यहां पर क्या होता है बेटा आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है ठीक है यहां पर आपके पास वर्किंग सब्सटेंस होता है और वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर वर्क डन होता है ठीक है यहां से हीट इसमें क्या करती है बेटा यहां पर हीट रिजेक्ट होती है Q1, और यहां से हीट ली जाती है क्यू टू यहां से सिंक से हीट ली जाती है बेटा ठीक है सिंक से हीट ली जाती है जो कि लोअर टेम्परेचर पर है हायर टेम्परेचर में हीट रिजेक्ट की जाती है और डब्ल्यू यहां पर वर्क डन करना हो रहा होता है तो आप लिखेंगे सर डब्लू प्लस क्यू टू डब्ल्यू प्लस टू इज इक्व टू ही क्यू वन बनेगा एनर्जी कंजर्वेशन बेटा यानी कि यहां पर भी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है यहां पर देखिएगा जरा ये जो रेफ्रिजरेटर आपको दिखाई दे रहा है रेफ्रिजरेटर का भी एक एफिशिएंसी होता है जिसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं बेटा ठीक है यहां पर रेफ्रिजरेटर की अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे आज अपने घर पे देखना कि आपके रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना लिखा होता है उस पर ठीक है सो यहां पर रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर का जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बेटा बीटा बीटा को आप क्या लिखेंगे हाउ मच हीट

जाएगा बेटा ये आपका सॉल्व करने पर टी टू बाय t1 टी वन माइनस टी टू या फिर आप इसी को लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय टी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस वन ये अलग अलग दो वैल्यूज यहां पर आपको ध्यान रख लेनी है बेटा दिस इज द बीटा को एफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस एवरी क्लियर है ठीक है एवरी वन हां ले लो ना अल्फा अल्फा ले लो गामा ले लो कुछ भी जो मर्जी तुम्हारा ले लो क्या दिक्कत है ठीक है जो मर्जी एआई ट्रिपल ई दो हजार दो में क्या सवाल आया था देखिएगा इवन कार्नोट इंजन कैन नॉट गिव हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी बिकॉज वी कैन नॉट क्या नहीं कर सकते बेटा देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन अब इसको अगर हंड्रेड परसेंट होना है अगर इसको हंड्रेड परसेंट होना है तो इसके लिए टी टू का वैल्यू जीरो कैलविन करना पड़ेगा टी टू मैंने कौन सिंक बेटा और किसी भी चीज का यहां पर जो सिंक है उसका टेम्परेचर एप्सल्यूट जीरो कर पाना संभव नहीं है जहां तुम हीट रिजेक्ट कर रहे हो उसका कोई टेम्परेचर ना हो ये कैसे पॉसिबल होगा इफ यू आर रिजेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ हीट तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा फिर और रिजेक्ट करोगे और बढ़ेगा और रिजेक्ट करोगे और बढ़ेगा तभी तो भाई आपका एन्वायरमेंट इतना खतरे में है नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने बढ़ गए तभी तो क्या हो रहा है हम यहां पर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बंद करने की बात कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वेरी वेरी सून बेटा बहुत सारे सिटीज में और शहरों में तो हो चुका है लेकिन अब मास लेवल पर यह इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे आने वाले पाँच दस सालों में उसके पीछे का लॉजिक यही है ठीक है चलिए नाउ अ कारनोट इंजन वर्किंग बिटवीन थ्री हंड्रेड कैलवीन एंड सिक्स हंड्रेड कैलवीन बातेंड कैलवीन टी टू का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड कैलवीन चलो इतना बात समझ में आ गया हैज अ वर्क आउटपुट 800 हंड्रेड जूल बेटा ठीक है आपने कितना वर्क आउटपुट लिया 800 हंड्रेड जूल का वर्क आउटपुट लिया पर साइकिल द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल इज बेटा Q का वैल्यू यहां पर कितना होगा आपने देखा है ठीक है जेपर साइकिल अमाउंट ऑफ हिट सप्लाईड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल विल बी ठीक है एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है सबसे पहले वी कैन हैव द एफिशिएंसी वन माइनस यहां पर बनेगा सर टी टू डिवाइडेड बाय टी वन और इसी को आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट

और 800 जूल का यहां पर डन करके आपको देगा बेटा ठीक है चलो एन आइडियल हीट इंजन एग्जोस्टिंग एट 77 डिग्री सेल्सियस बेटा यानी कि टी टू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 77 डिग्री सेल्सियस आपको इसे क्या करना पड़ेगा बेटा आपको इस 77 में प्लस 273 करना पड़ेगा और जैसे 273 करोगे बेटा ये वैल्यू कितनी बनेगी कैलबिन में देख लो जरा सात दोगे तो अस्सी हो जाएगा बीस तीन सौ पचास एंड फिफ्टी कैलविन बेटा 350 हंड्रेड

350, 350 डिवाइडेड बाय T1 ये हो जाएगा सर 1 माइनस आप यहां पर देखेंगे सर 3 बाई टेन थ्री बाई टेन वैल्यू आ जाएगी सर 7 डिवाइडेड बाय 10, 7 डिवाइडेड बाय 10 ये आ जाएगा सर सात पंजे पैंतीस तो ये आ जाएगा आपके पास T1 का वैल्यू 500 हंड्रेड कैलविन फाइव हंड्रेड में से अगर आप माइनस करोगे बेटा कितना यहां पर टू तो बेटा मेरे ख्याल से टू टू सेवन डिग्री सेल्सियस आ जाएगा टू सेवन डिग्री सेल्सियस देखो ना T1 का वैल्यू 500 हंड्रेड माइनस टू तो यहां पर आंसर कितना आएगा इसमें तुम मिलाओगे 27 और 200, सौ हां बिल्कुल ऑप्शन सही है आपके पास 227 डिग्री सेल्सियस होगा ठीक क्लियर है अंडरस्टूड एवरीबॉडी अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया चलो आगे बात करते हैं अगला सवाल अगला सवाल ये अब एक काम करे सर यहां पर क्या बोल रहा है कार्नोट इंजन सिंक इज एट टेम्परेचर 300 हंड्रेड कैलवीन टी टू दिया, दिया हुआ है बेटा टी टू दिया हुआ है हैज एन एफिशिएंसी ऑफ फोर्टी परसेंट ठीक है बाय हाउ मच सोर्स टेम्परेचर शुड बी चेंज सो एस टू इंक्रीज द एफिशियसेंट बेटा ठीक है आपको टेम्परेचर जो है सोर्स का कितना चेंज करना पड़ेगा एफिशियंसी को फोर्टी परसेंट से इंक्रीज करके सिक्सटी परसेंट ले जाने में एक बात ध्यान से देखो जरा एक बात ध्यान से देखो यहां पर 40% परसेंट से 60% परसेंट एफिशियंसी पर जाना है दो काम कर सकते हैं इसके लिए एक तो यहां पर T2 को डिक्रीज करके और दूसरा T1 को इंक्रीज करके अब हमें तो पूछा है सोर्स टेम्परेचर के बारे में तो T1 तो केवल इंक्रीज किया जा सकता है डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन काट के फेंक दो डिक्रीज वाले दोनों ऑप्शन काट के फेंक दो बेटा अब चलते हैं सर हम यहां पर पहली एफिशिएंसी आपके पास है सर 40 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू वन माइनस आप लिखेंगे सर 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी यहां से आप टेम्परेचर टी कैलकुलेट करेंगे तो सर 300 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी इज इक्वल टू वन माइनस ये बनेगा बेटा 4 डिवाइडेड बाय टेन दैट वुड बी सिक्स डिवाइडेड बाई टेन दैट वुड बी थ्री डिवाइडेड बाई फाइव ठीक है ये बनेगा बेटा T का वैल्यू यहां पर 500 हंड्रेड आ रहा है 40 परसेंट एफिशियंसी के लिए T का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 500 हंड्रेड आ रहा है 40 परसेंट एफिशियंसी के लिए

पिछहत्तर ये टी प्राइम का वैल्यू आ रहा है सेवन फिफ्टी कैलविन सेवन फिफ्टी कैल्विन मतलब आपको ढाई सौ कैल्विन इंक्रीज करना पड़ेगा बेटा ढाई सौ कैलविन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा आ रहा है आंसर सभी लोगों का ढाई सौ कैल्विन आपको इंक्रीज करना पड़ेगा चलिए बहुत बढ़िया ये वाला सवाल आपका ग्रह कार्य है होमवर्क ले लीजिए बेटा दिस इज योर होमवर्क दिस इज योर होमवर्क ठीक है ये वाला सवाल भी आप यहां पर क्या ले लीजिए बेटा होमवर्क ले लीजिए ठीक है ये वाला सवाल भी होमवर्क दिस इज योर होमवर्क ठीक है कार नॉट साइकिल के बहुत सारे सवाल हैं होमवर्क 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 दिस इज योर होमवर्क ये भी होमवर्क बस लास्ट था ये सात आठ सवाल आप गृह कार्य में ले लो बढ़िया तरीके से करना ठीक है हम इन्हें सॉल्व करेंगे कहां पर बेटा वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कब शाम साढ़े चार बजे स्पेशल क्लास में ठीक है भाई अन अकेडमी प्रोडीजी में मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक क्या कर लिया होगा एनरोल कर लिया होगा और अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो डू एनरोल राइट नाउ राइट अवे कोड यूज करना है बेटा आप लोगों ने एनरोल करते वक्त एम एस लाइव ठीक है कोड यूज करके जब आप एनरोल करोगे तो आपको क्या यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है बेटा इसमें जो बेनिफिट्स हैं जो आपको प्राइसेस मिलने वाली है बात उन प्राइसेस की नहीं है बात इस चीज की यहां पर आपको 100 परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप प्रोडीजी में बेहतर परफॉर्म करते हैं यह क्लास सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ सभी कैटेगरी के, के बच्चों के लिए सभी ग्रेड्स के बच्चों के लिए हो रहा है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट जरूर करें बेटा ठीक है चलिए ढेर सारी पर और, और नहीं आ चुकी हैं ठीक है ठीके? और आपको यहां पर एक और बढ़िया सी बात बता देता हूं ठीक है अगर आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक नई चीज आपके सामने आ गई है टू मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है बेटा ठीक है ऑफ क्लास ट्वेल्थ एनसीबीएसई गोल फ्री ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है नीट का यहां पर सब्सक्रिप्शन आपने छः महीने का लिया और इस तरह से हो जाएगा बेटा यहां पर अगर आपने 18 मंथ का लिया 18 मंथ का लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा थ्री मंथ एक्स्ट्रा हो जाएंगे ऑफ क्लास इलेवन सी बी फ्री ऑन सब्सक्रिप्शन कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं आपको यहां पर आ, तीन महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहां पर आपको दो महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ठीक है ऑफर वैलिड फ्रॉम नाइनटीन देने आज से लगाकर ट्वेंटी जैन तक यानी कि दो तीन दिन का ऑफर है बेटा तो कोड आपको मालूम है एम एस लाइव कोड लगाना है यूज़ करके आपको जो है पार्टिसिपेट कर लेना है इसमें ठीक है ओके सिया बाबाई टेक केयर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल है ना डू सब्सक्राइब द चैनल फटाफट से और जो है जल्दी से है ना बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड स्पेशल क्लास में मुलाकात होगी आपसे शाम साढ़े चार बजे ठीक है तब तक के लिए बाय टेक केयर यू ऑल वेरी बेस्ट